हे वेलकम बैक टू आवर चैनल दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे हाउ टू टेक स्क्रीनशॉट, यानी कि इस डिवाइस में स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं। दोस्तों, सैमसंग डिवाइस में तीन अंगुलियों से स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते, लेकिन स्क्रीनशॉट लेने का कई सारे एडवांस तरीका दी गई है। नंबर वन, वॉल्यूम एंड पावर बटन। जब स्क्रीनशॉट लेना है, वॉल्यूम डाउन बटन और पावर बटन को एक साथ प्रेस करके छोड़ दीजिए, स्क्रीनशॉट कैप्चर हो जाएगा। या पेंसिल आइकन पर टैप करके लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, उसे इरेज कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट कस्टमाइज करने के बाद सेव करना ना भूलें गाइस। इसके साथ आपको टेक्स्ट रिकॉग्नाइज का फीचर्स प्रोवाइड किया है। अगर फोटो में कोई टेक्स्ट रहता है तो उसके ऊपर टैप एंड होल्ड करके उस टेक्स्ट को कॉपी कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको लॉन्ग स्क्रीनशॉट चाहिए तो पहले इस तरीके से स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद नीचे की तरफ स्क्रीनशॉट का टूल बार दिखाई देगा। इस डाउनलोड एरो आइकन पर टैप करके जहाँ तक हमको चाहिए उतना दूरी तक हम लॉन्ग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए दोस्तों, लॉन्ग स्क्रीनशॉट कैप्चर हो चुका है। नंबर टू, क्विक पैनल। दोस्तों, ऊपर से नीचे की ओर स्वाइप करके क्विक पैनल ओपन करिए। क्विक पैनल से आप कुछ यूजफुल सेटिंग्स को जल्दी एक्सेस कर सकते हैं। एक बार स्वाइप करते ही 6 क्विक पैनल दिखाई देगा, फिर एक बार स्वाइप करते ही पूरा क्विक पैनल खुल जाएगा। गाइज, अब हम इसके अंदर स्क्रीनशॉट टॉगल को ऐड करेंगे। यहाँ पेंसिल आइकन पे क्लिक कीजिए, इसे टॉप या फुल क्विक पैनल के अंदर रख सकते हैं। अगर जल्दी एक्सेस करना हो तो टॉप के नीचे एडिट में जाइए। अब ये 6 टैगल से किसी एक को हटाना है, माइनस पे क्लिक करके किसी एक को रिमूव कर सकते हैं। एक बार स्वाइप करने से जो पैनल खुलता है, इसमें केवल आप 6 टैगल रख सकते हैं। अब अवेलेबल बटन के अंदर टेक स्क्रीनशॉट टॉगल को ढूंढो और उसे ऐड कर लो। दोस्तों, बाद में जब आपको स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत होगा, ऊपर से क्विक पैनल ओपन करके इस पर टैप करें, स्क्रीनशॉट कैप्चर हो जाएगा। नंबर थ्री, एज पैनल। दोस्तों, फोन सेटिंग्स ओपन करके डिस्प्ले में जाइए। यहाँ पर आपको नीचे की ओर एक सेटिंग्स देखने को मिलेगा, एज पैनल। अगर ये ऑफ किया हुआ है तो इसे टर्न ऑन कर दीजिए। इसके बाद एज पैनल्स में जाइए। स्क्रीनशॉट फीचर्स ऐड करने के लिए पैनल्स पे टैप करना है। पैनल्स में केवल ऐप सिलेक्ट किया हुआ है, आप इसके साथ स्मार्ट सिलेक्ट को भी ऐड कर लीजिए। दोस्तों, नेक्स्ट टाइम से एज पैनल ओपन करते ही फर्स्ट ऐप्स आएगा, फिर लेफ्ट स्वाइप करते ही स्क्रीनशॉट लेने का कई सारे शेप चला आएगा। रेक्टेंगल शेप पर क्लिक करके सिर्फ इतना ही पोर्शन स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओवल पे टैप करके सर्कल के अंदर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट को एनिमेशन भी बना सकते हैं। पिन और इंसर्ट, ये बहुत ही बेहतरीन फीचर्स हैं। स्क्रीनशॉट लेके डिस्प्ले के ऊपर पिन करके रख सकते हैं। मान लो आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जो बार बार दूसरे कोई ऐप या गैलरी में जाके देखना पड़ते हैं, वहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर ऊपर पिन कर दीजिए, फिर देखना आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। नंबर फोर, असिस्टेंट मेनू। दोस्तों, एक क्लिक में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस हिडन फीचर्स को एक्टिवेट करने के लिए फोन सेटिंग्स ओपन करके नीचे की ओर जाइए। नेक्स्ट, एक्सेसिबिलिटी पे टैप करना है। इसके बाद इंटरेक्शन एंड डेक्सटेरिटी, यहाँ पर आपको एक सेटिंग्स देखने को मिलेगा असिस्टेंट मेनू। तो सबसे पहले इस फीचर्स को टर्न ऑन कीजिए, इसके बाद अलाउ करना है। देखिए दोस्तों, डिस्प्ले के ऊपर एक फ्लोटिंग आइकन दिखाई दे रहा है। अब असिस्टेंट मेनू में जाके इसे कस्टमाइज करेंगे। सिलेक्ट असिस्टेंट मेनू आइटम, यहाँ स्क्रीनशॉट को छोड़ के बाकी सब रिमूव कर दीजिए। नेक्स्ट, शो एस एज आइकन को एनेबल करना है। अब देखिए, साइड में हाफ सर्कल की तरह एज आइकन दिखाई दे रहा है। इस आइकन को होल्ड करके मूव कर सकते हैं। एज आइकन को अपने पोजीशन के हिसाब से सेट कर दीजिए। जहाँ इस आइकन को रखेंगे उस पर टैप करते ही स्क्रीनशॉट कैप्चर हो जाएगा, चाहे किसी एप्लीकेशन में हो या ब्राउजर में। इसका ट्रांसपेरेंसी वैल्यू फुल करके आइकन को हाइड कर दीजिए। अब डिस्प्ले के ऊपर एज आइकन दिखाई नहीं देगा, लेकिन जैसे ही आप वहाँ पे टैप करेंगे स्क्रीनशॉट कैप्चर हो जाएगा। दोस्तों, स्क्रीनशॉट फीचर्स के अलावा इस मॉडल का कई सारे हिडन सेटिंग्स और प्रॉब्लम रिलेटेड वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड किया हुआ है, आप देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि स्क्रीनशॉट लेने का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।